हेलो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे रीजनिंग के पांच अति महत्वपूर्ण तो प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं देखिए दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण तो है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर वन की अंग्रेजी वर्डमाला में आपके बाई और तिरहवे अक्षर के बाई और पांचवा अक्षर कौन सा पड़ेगा देखिए दोस्तों क्या पूछा है कि अंग्रेजी वर्डमाला में अंग्रेजी वर्डमाला किसे कहते हैं ए बी सी को ठीक है जो ए से लेके जेड तक होता है ठीक है उसमें तेरहवें अक्षर के बाई और पांचवा अक्षर कौन सा पड़ेगा देखिए दोस्तों ए से लेके ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के जे के एल M ई हो गया ठीक है देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना अक्षर हो गया तेरह ये हो गया तेरह देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह अब क्या कहा तेरह हमें अक्षर के बाई और बाई बाँण हमारा किधर होता है देखिए मान लीजिए एक आदमी खड़ा है ठीक है ये इधर दाहिना हो गया इधर बायां तो बाई और यानी इसके पाँचवें अक्षर कितना होगा एक दो तीन चार नंबर क्या पड़ा यच, पड़ा, यच। देखिए किस ऑप्शन दिया ऑप्शन नंबर एम दिया हुआ है ठीक है ऑप्शन नंबर एम दिया है अगर देखिए दोस्तों अगर ज्ञात करने का था तो हम इसे और ठीक है या यन ओ पी क्यू आर तो हमारा क्या आ जाता है यार आ जाता है ठीक है लेकिन हमें क्या कहा है कि बाई और बाई हमारा इधर होता है ठीक है तो हमें बाई और क्या मिला यच मिला तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा से हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न बहुत ही आसान से आपको समझ में आ गए होंगे अगर ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो आप लोग बहुत ही आसान से सॉल्व कर लेंगे तो चलिए दोस्तों चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे में दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी देखिए दोस्तों प्रश्न चिन्ह हमारे यहीं पर है चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है देखिए दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है ठीक है दोस्तों तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं देखिए क्वेश्चन में क्या दिया चार गुणे छः गुणे दो बराबर तीन सौ इक्यावन और पाँच गुड़े नौ गुड़े आठ बराबर दो सौ सत्तासी नौ गुड़े पाँच गुड़े छः बराबर क्वेश्चन मार्क इसी को हमें सॉल्व करना है देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे देखिए अगर हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा चार छः चौबीस चौबीस गुना के अड़तालीस होगा यहाँ पर कितना दिया है तीन सौ इक्यावन दिया है ठीक है यहाँ पर क्या हो जाएगा नौ तरीक सत्ताईस ठीक है सत्ताईस हो जाएगा सत्ताईस अट्ठे कितना होगा दो सौ सत्ताईस नहीं होगा ठीक है इससे बहुत ही कम होगा अब यहाँ पर क्या दिया है देखिए ये यह, यह क्या किया है इसमें गुना नहीं किया है ठीक है गुना नहीं किया इसमें क्या किया है देखिए दोस्तों हम बहुत ही आसान से आपको बताएंगे देखिए क्या किया है चार में से क्या किया है एक माइनस कर दिया है चार में से एक माइनस कर दिया तो क्या हो गया है तीन ठीक है चार में से माइनस एक कर दिया तीन हो गया है और छः में से एक माइनस कर दिया है तो कितना हो गया है पाँच हो गया है ठीक है और पाँच हो गया ठीक है और एक में से सॉरी दो में से एक माइनस कर दिया है तो एक हो गया है देखिए यहाँ पर क्या हो गया तीन सौ इक्यावन क्या किया है सब में से एक एक संख्या घटा दिया है तो हमारा कितना हो गया तीन सौ इक्यावन ठीक है अब इसी प्रकार इसे देखिए क्या किया है यहाँ पर कितना दिया तीन तीन में से अगर माइनस एक करेंगे तो कितना हो जाएगा दो हो जाएगा ठीक है और फिर नौ नौ में से माइनस एक करेंगे तो कितना हो जाएगा आठ ठीक है और आठ में से माइनस एक करेंगे कितना हो जाएगा सात देखिए यहाँ पर आ गया दो सौ सत्तासी यानी कि सब में से एक एक संख्या को क्या कर दिया है माइनस कर दिया है एक एक माइनस कर दिया तो हमारी संख्या प्राप्त होती जा रही है ठीक है तो अब क्या करेंगे देखिए उसी पर का इसे भी सॉल्व करेंगे देखिए क्या दिया यहाँ पर 9 में से -1 करेंगे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ठीक है और 5 में से -1 करेंगे तो 4 हो जाएगा और 6 में से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 कितना हो गया 845 देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा 845 किस ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा देखिए दोस्तों हमने क्या किया, किया इनमें गुणा नहीं करना था क्या किया इनमें से एक एक माइनस कर दिया तो हमारी संख्या प्राप्त होती चली गई ठीक है उसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ गया आठ सौ पैंतालीस आ गया और ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा देख मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न अब बहुत ही आसान से आपको समझ में आ गए होंगे तो चलिए दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा का यदि पी आई जी का कोड छानबे है तथा ए एम का कोड अट्ठाईस है तो टी ई ए का कोड क्या होगा देखिए दोस्तों हमें क्या करना है टी ई ए का कोड ज्ञात करना है ठीक है और कैसे इसे सॉल्व करेंगे देखिए पी आई जी का कोड क्या है छानबे देखिए कैसे पी आई जी का छानबे हो गया है देखिए पहले क्या करेंगे इन अक्षरों को हम क्या करेंगे अंक में कन्वर्ट करेंगे देखिए पी हमारा किस नंबर पड़ता है पड़ता है सोलह नंबर पर ठीक है और आई हमारा किस नंबर पड़ता है नौ नंबर पड़ता है जी हमारा किस नंबर पड़ता है सात नंबर पड़ता है ठीक है अब क्या करेंगे इनको आपस में जोड़ लेते हैं ठीक है देखिए संतान भी आ जाता है देखिए नहीं आएगा देखिए क्या करेंगे सोलह और नौ कितना होता है पच्चीस पच्चीस और सात कितना होता है बत्तीस ठीक है बत्तीस हो गया ठीक है अब बत्तीस में हम अगर तीन से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा छानबे बत्तीस में हम तीन से गुना कर दिए तो छानवे हो गया ठीक है देखिए हमने क्या किया इसमें तीन से गुना किया तो हमारी संख्या है ठीक है अब उसी प्रकार इसे सॉल्व करते हैं देखिए ए और यम ठीक है ए और यम ए कितना स्थान पड़ता है एक ठीक है और यम तेरह तो क्या हो जाएगा चौदह कितना हो जाएगा चौदह और चौदह में हम क्या से गुना करेंगे अट्ठाईस चौदह में हम दो से गुना करेंगे तो अट्ठाईस आ जाएगा देखिए दोस्तों क्या किया पहले तीन से गुना किया अब दो से गुना किया ठीक है अब क्या करेंगे टी ई ए में किससे गुना करेंगे तीन से करेंगे क्योंकि पहले तीन से फिर दो से फिर तीन से फिर दो से इस तरह से हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए टी ई ए, ए टी ई ए हो जाएगा ठीक है तो टी हमारा किस नंबर पड़ता है बीस ठीक है ई हमारा पाँच ए हमारा एक इसे जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा छब्बीस हो जाएगा ठीक है छब्बीस हो जाएगा ना छब्बीस में हम अगर तीन से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा हो जाए आ जाएगा अठहत्तर कितना आ जाएगा अठहत्तर देखिए किस ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है देखिए दोस्तों हमने किस लिए इसमें तीन से गुना किया इसलिए क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि हमने बत्तीस में तीन से गुना किया फिर उसके बाद दो से गुना किया फिर हमने तीन से गुना किया ठीक है इसलिए हमारा अठहत्तर आ गया ठीक है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गए होंगे तो चलिए दोस्तों चलते पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर चार देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चार में क्या दिए गए विकल्पों में प्रश्न चिन्ह देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्नचिन्ह होना चाहिए था मिस्प्रिं

अट्ठारह ग्यारह और क्वेश्चन मार्क देखिए दोस्तों इसमें क्या किया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कोई एक संख्या आ जाए देखिए हम क्या करेंगे सत्रह और बारह देखिए क्या किया है सत्रह में पाँच माइनस कर दिया है तो बारह आ गया है ठीक है फिर बारह में प्लस छः जोड़ दिया है तो 18 आ गया है ठीक है फिर क्या किया है अट्ठारह में माइनस सात किया था ग्यारह आया है देखिए दोस्तों इस तरह से कोई श्रृंखलाएं चलती नहीं है ठीक है अब क्या करेंगे हम एक एक, एक स्टेप को आने की एक एक, एक संख्या को छोड़ के एक एक संख्या को छोड़ के हम सॉल्व करेंगे तो हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी तो चलिए दोस्तों एक एक संख्या को छोड़ के हम सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या करेंगे हम एक एक संख्या को छोड़ेंगे तो क्या करेंगे सत्रह और अट्ठारह ठीक है बारह को छोड़ देंगे तो क्या किया है सत्रह में एक जोड़ दिया है तो कितना हो गया है अठारह हो गया है ठीक है अब हम अट्ठारह में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा उन्नीस हो जाएगा तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा उन्नीस भरा जाएगा और ऊपर में क्या किया है देखिए दोस्तों बारह में से माइनस एक कर दिया है तो यहाँ पर ग्यारह आ गया है ठीक है आने की क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा उन्नीस देखिए किस ऑप्शन में दिया ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा देखिए दोस्तों हमने बहुत ही आसानी से समझाया तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर पाँच देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पाँच में क्या दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर अच्छा आएगा देखिए दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहीं पर है ठीक है और चार ऑप्शन दिए हुए से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है देखिए दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट है जो आपकी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है तो ऐसे प्रश्न को हम मात्र कुछ ही सेकंड में सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से तो चलिए दोस्तों हम सॉल्व करते हैं देखिए दोस्तों जब भी ऐसे प्रश्न दिए होंगे तो हम क्या करेंगे पहले इन अक्षर को क्या करेंगे अंक में कन्वर्ट कर लेंगे अंक में

एक नंबर पड़ेगा ठीक है फिर डी को छोड़ के अब जी जी किस नंबर पड़ेगा सात नंबर पड़ेगा ठीक है यम किस नंबर पड़ेगा तेरह ठीक है अब हम इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं देखिए इसमें श्रृंखलाएँ कैसे चल रही है देखिए एक में क्या कर दिया है छः जोड़ दिया है तो कितना हो गया है सात हो गया और सात में क्या जोड़ा है कि सात में छः जोड़ा है तो तेरह हो गया अब फिर हम तेरह में छः जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा उन्नीस हो जाएगा कितना हो जाएगा उन्नीस हो जाएगा उन्नीस नंबर पे क्या पड़ता है हमारा देखिए दोस्तों क्या पड़ेगा बताइए उन्नीस नंबर पर हमारा यश पड़ता है यश पड़ता है ठीक है उसी प्रकार हम अब यश तो प्राप्त हो गया ठीक है अब क्या करेंगे डी जे पी ठीक है इसका सोल्व करेंगे तो डी हमारा चार नंबर पड़ता है ठीक है डी हमारा चार नंबर पड़ता है और जे हमारा दस नंबर पड़ता है ठीक है और पी हमारा सोलह नंबर पड़ता है तो अब क्या करेगा देखिए इसमें क्या करेंगे छः में सॉरी चार में हम छः जोड़ेंगे तो दस हो जाएगा और दस में हम छह जोड़ेंगे तो सोलह हो जाएगा और सोलह में हम छः जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाईस हो जाएगा और बाईस नंबर पे क्या पड़ता है बाईस नंबर पे क्या पड़ता है वी पड़ता है तो क्या आ जाएगा यस और वी आ जाएगा किस ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर तो बी हमारा सही हो जाएगा देखिए दोस्तों हमने इसमें क्या किया पहले एक एक अक्षर को हमने अंक में कन्वर्ट किया पहले एक एक अक्षर को अंक में कन्वर्ट किया फिर इनका श्रृंखला बनाई और इनकी श्रृंखला में क्या हुआ छः छः प्लस करते गए क्या छः छः प्लस करते गए तो हमारी संख्या कितनी आ गई यस वी तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे अगर ये पाँचों प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना